Following the arrest of Jaideep Apte, the sculptor responsible for the collapsed statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Maharashtra, Chief Minister Eknath Shinde commented on the situation, stating, "I had said this earlier, everyone is equal before the law and he was bound to get arrested." Shinde emphasized that Apte would now face an investigation. He expressed sorrow over the incident, highlighting Chhatrapati Shivaji Maharaj's revered status as a figure of immense significance, and criticized the attempts to politicize the unfortunate event. परसों कहा था कि एक जयदीप आप्टे हो या और कोई हो, वो कानून के सामने सब सरीके हैं, कानून से कोई ऊंचा नहीं है, उसको अरेस्ट किया जाएगा, वो कहीं भी जाएगा उसको पकड़ा जाएगा और पकड़ लिया है। तो अभी जो अपोजिशन वाले जो राजनीति कर रहे हैं उनको एक बड़ी चपराक है, एक बड़ा फटकार उनको मिला है, और ये जयदीप आप्टे की चौकसी होगी, कार्रवाई होगी। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे सबके लिए आराध्य दैवत है। ये दुर्घटना बहुत ही दुर्दैवी बात है, लेकिन उसका राजकारण करना, उसकी राजनीति करना, ये तो बहुत बड़ा दुर्दैव है। और इसलिए हम सरकार ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो प्रतिमा है, ये स्टैच्यू जो है, ये भव्य दिव्य जल्द से जल्द वहाँ बनाएगी, ये हमारा मकसद। मैंने परसों कहा था कि एक जयदीप आप्टे हो या और कोई हो, वो कानून